बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटर बुक टू इंटरमीडिएट पार्ट टू, उसकी बुक टू चैप्टर नंबर 12 है। हीरोज़ वाला पार्ट है जिसमें पांच हीरोज़ का के चैप्टर्स बने हुए हैं, उसका ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइकिंग का मतलब होता है लिफ्ट ले के सफ़र करना अक्रॉस द सहारा। सहारा एक डेजर्ट का नाम है और उस सहारा डेजर्ट से मुकम्मल तौर पे उसको पार कर लेना लिफ्ट ले लेके, लिफ्ट के ज़रिए। तो इस चैप्टर के अंदर जो राइटर जिसका तذکرہ किया गया है, जो राइटर ने जिस हीरो का तذکرہ किया है, उसका नाम है क्रिस्टोफर, रॉबर्ट क्रिस्टोफर। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने सहारा जो एक डेजर्ट है उसको मुकम्मल तौर पे पूरा क्रॉस किया था, और उस दौरान उसने ना उसके पास कोई सवारी, अपनी सवारी थी, जाती गाड़ी थी, कोई कार वगैरह थी, और ना ही उसके पास कोई दूसरा सोर्स था कि उसने किराए के ज़रिए या पैसे पे करके सफ़र किया हो। उसने सफ़र किया सारा तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से लिफ्ट के ज़रिए, लोग चलते हुए ट्रक के अंदर। सहारा के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाते हैं, तो उन्हीं ट्रक्स के ज़रिए उसने लिफ्ट ले ले के बार बार लोगों के सामने सफ़र के लिए दरख्वास्त करके उसने अपने सफ़र को पूरा किया। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने 1956 के अंदर ये जो एडवेंचर है अपना उसको शुरू किया था, तो उस एडवेंचर को शुरू करके उसने दरमियान में ही ख़त्म नहीं कर दिया। बहुत कम लोग हैं कि बहुत से लोगों ने इस एडवेंचर को करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको पार किया, इस सहारा डेजर्ट को क्रॉस किया, और क्रिस्टोफर उनमें से एक था। ये एक एडवेंचर स्टोरी है। तो सहारा डेजर्ट के बारे में सबसे पहले आपको तारुफ करवा देता हूँ कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सहरा हैं उन सब में से सबसे बड़ा जो सहरा है वो सहारा है। सहारा, सहरा, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इतना लंबा है, इतना लंबा है कि पूरे एक बड़े आज़म पर फैला हुआ है। शुमाली अफ्रीका जो एक पूरा बड़े आज़म है उसकी जितनी भी लेंथ है, जितनी भी उसकी विथ है, चौड़ाई है, उसके ऊपर फैला हुआ है। सारे अफ्रीका के शुमाली अफ्रीका के जो बड़े आज़म के ऊपर ये फैला हुआ है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर इंग्लैंड को कोई दो राइटर ने मिसाल दी है कि इतना बड़ा है, कोई बड़ा सा जिन इंग्लैंड को उठाए सारे को और उठाकर उसको सहारा डेजर्ट के दरमियान में कहीं समवेयर रख दे, तो उसको ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंग्लैंड एक बहुत बड़ा मुल्क है, ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़ा मुल्क है, अगर उसको भी सहारा डेजर्ट के दरमियान में कहीं रख दिया जाए तो उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा वो सहारा है। तो ये एक मिसाल दी है उसके बड़ा होने की। तो एक तो वो बहुत बड़ा है सहरा, दूसरा ये है कि इतना शदीद गर्म है, इतनी तपश है कि वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो कई 70-80 के करीब, इससे भी ज़्यादा पहुँच जाता है। अनबियरेबल हॉट, इतना ज़्यादा गर्म है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर शहर भी आबाद हैं, वो शहर सिर्फ उन जगहों पर आबाद हैं जहाँ पर पानी ज़रा आसानी के साथ, आसानी वहाँ पर इतनी आसानी है कि बड़ी गहराई में जाके पानी निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर कहीं कहीं जहाँ दरख्तों के झुंड हैं, जहाँ ओसिस हैं, वहाँ पर आबादी है। तो वो आबादी भी पास पास नहीं है, एक जगह से लेकर तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद अगली आबादी आएगी। एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र है तो 150-200 किलोमीटर के बाद वो सफ़र आबादी आएगी, तो उसके दरमियान में कोई आबादी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ सहरा ही होगा। तो बचपन में जब ये क्रिस्टोफर कोई शरारत किया करता था तो इसकी सौतेली माँ जो है, फोस्टर मदर, इसकी स्टेप मदर जो है, वो इसको ये कहा करती थी कि शरारत ना करो नहीं तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। टिम्बकटू एक ऐसा इलाका था जो कि इसके क्रिस्टोफर के फ्रांस के इलाके से लेकर टिम्बकटू तक जाने के लिए पूरा वो सहरा जो है ना, डेजर्ट क्रॉस करना पड़ता था। तो जब बार बार उसकी माँ ने उसे ये कहा कि मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी, टिम्बकटू भेज दूँगी, वो तो डराने के लिए कहती थी, लेकिन डरने की बजाय इंस्टेड के ये डर जाता, खौफ ज़्यादा हो जाता, इसने ये किया कि अपने दिल में इस शौक को पैदा कर लिया कि टिम्बकटू है क्या, मैं उसे जाके ज़रूर पर ज़रूर विज़िट करूँगा और देखूँगा
कि टिम्बकटू के अंदर क्या चीज़ है जो मेरी माँ मुझे वहाँ बेचना चाहती है। उसके बाद उसने अपना जब सफ़र स्टार्ट किया, शुरू किया, इसने इरादा बना लिया कि टिम्बकटू ज़रूर पहुँचूँगा। तो सफ़र शुरू किया तो एक बोसीदा से ट्रक में इसने सफ़र शुरू किया। सबसे पहले आगाज़ किया तो एक ट्रक गुजर रहा था, इसने लिफ्ट ली, सवाल किया और बैठ गया उस ट्रक के अंदर। लेकिन वो बहुत बेहतरीन ट्रक नहीं था, ज़रा ख़राब सा था, बोसीदा सा था, जिसकी स्पीड सिर्फ़ और सिर्फ 32 किलोमीटर पर आवर थी। एक घंटा सफ़र करने के बाद वो 32 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ तय करता था, जबकि आजकल के जो ट्रक हैं उनकी रफ्तार जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा है, 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है पर आवर, उससे भी थोड़ी सी कम या तेज़ भी हो सकती है। तो 32 किलोमीटर पर आवर का अगर सफ़र करते हुए एक सहरा की गर्मी और ट्रक का इतना आहिस्ता आहिस्ता चलना अगर सफ़र किया रहे तो ये अनबियरेबल है, सफ़र बर्दाश्त नहीं है। क्रिस्टोफर ने इस सफ़र के दौरान जो ठंडा पानी लिया था वो तकरीबन थोड़ी देर बाद ही इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि उसके साथ चाय बनाई जा सकती थी, इतना शदीद गर्म हो गया था। फिर अचानक यूँ हुआ कि हथियारों वाला ट्रक जो था वो वहाँ से गुजर रहा था। ये उस दौर की बात है जहाँ जब वर्ल्ड वार चल रही थी, तो एक वेपन कैरियर जो है वहाँ पास से गुज़रता है, तो उसने उस वेपन कैरियर वाले उस ट्रक हथियारों से लेस जो ट्रक था उससे लिफ्ट मांगी। ट्रक वाले ने रोक तो लिया ट्रक, लेकिन उसने ये कहा कि किसी भी सिविलियन को, ऐसा बंदा जो आर्मी में नहीं है, जो फौजी नहीं है, जो कि सिविल बंदा है, उसको इस आर्मी के ट्रक में बैठने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर उसने जब उसे इजाज़त ना दी तो वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट करने की वजह से क्रिस्टोफर को वार मिनिस्ट्री की तरफ से एक कार्ड दिया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया गया था कि हाँ, इस बंदे ने वॉलंटरली वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो वो कार्ड उस वक्त एक्सपायर हो चुका था, लेकिन एक्सपायरी डेट कार्ड की दूसरी साइड पे लिखी हुई थी। जो कार्ड की प्राइमरी साइड थी, जो बेसिक साइड थी, उसके ऊपर क्रिस्टोफर की फ़ोटो थी और साथ में क्रिस्टोफर का वार के अंदर जो पार्टिसिपेशन थी वो लिखा हुआ था। वो ड्राइवर ने सिर्फ वो कार्ड सामने से देखा और देखने के बाद क्रिस्टोफर को कार्ड वापस कर दिया और उसे लिफ्ट में बिठा लिया कि हाँ, ये भी एक फ़ौजी है, इसने फ़ौज के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ। उसने दरअसल कार्ड को पलट के नहीं देखा, अगर वो कार्ड को पलट के देख लेता तो उसे पता चल जाता कि ये कार्ड तो बड़ी देर पहले एक्सपायर हो चुका है, वो उसे कभी भी उसमें ट्रक में बैठने की इजाज़त ना देता। अब उसके बाद उस ट्रक के अंदर वो सफ़र कर, ये ट्रक ज़रा बेहतर था, स्पीड भी अच्छी थी। सफ़र करने के बाद गार्डिया एक ऐसा इलाका है जहाँ से ट्रक ने किसी और सीमत चले जाना था, वहाँ पर वो क्रिस्टोफर, रॉबर्ट क्रिस्टोफर उतर गया। गार्डिया थोड़ी देर स्टे करने के बाद उसने एल्गोलिया जो है उस इलाके की तरफ जाना था, लेकिन जब गार्डिया में उतरता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं, मक्खियों की बहुत ज़्यादा कसरत है, हालांकि जो खुराक गलियों में लगी हुई है, जो फल वगैरह लगे हुए हैं, वो भी मक्खियों से बिल्कुल ढके हुए हैं। हत्ता के ये देखता है कि जो बच्चे गलियों में फिर रहे हैं उन बच्चों का चेहरा भी मक्खियों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा कि इनका चेहरा कहाँ, ऐसे महसूस हो रहा है कि मक्खियाँ सिर्फ। तो गार्डिया एक इलाका जो है, इसकी जो मेन चीज़ थी, ये क्वेश्चन भी है आपका कि गार्डिया की मेन चीज़ ये थी कि वहाँ पर मक्खियों की बहुत ज़्यादा कसरत थी, खुराक भी ढकी हुई थी, बच्चों के चेहरे भी मक्खियों के साथ ढके हुए थे। उसके बाद वो एक ट्रक के अंदर सफ़र करता हुआ एल्गोलिया में चला जाता है, एल्गोलिया की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है जो कि उससे अगला टाउन है। उस टाउन में जब वो सफ़र करने का आगाज़ करता है तो 10 किलोमीटर तक, जब शहर से बाहर निकलते हैं ड्राइवर और वो, 10 किलोमीटर तक तो सड़क नज़र आती रहती है कि ये सहरा के साथ साथ सड़क है, इसके ऊपर चलना है। लेकिन जब 10 किलोमीटर से आगे चले जाते हैं तो सहरा के अंदर हवा चूँकि बहुत ज़्यादा चलती है, तूफ़ान भी आते हैं, तूफ़ानों की वजह से साइडों से, रेत के टेलों से रेत उड़कर सड़क के ऊपर आ चुकी थी और नज़र नहीं आ रहा था कि अब सड़क किधर है। 10 किलोमीटर तक सड़क नज़र आती रही, लेकिन फिर उसके बाद सड़क नज़र नहीं आई। ड्राइवर ने बड़ी महारत के साथ ट्रक चलाने की कोशिश की और वो ट्रक चलाता रहा। फिर उसने, ड्राइवर ने बात करने का आगाज़ किया और बात उसने इस तरीके से की कि उसने तीन अंग्रेज़ों की
स्टोरी बताई क्रिस्टोफर को। क्रिस्टोफर को बताया कि तीन इंग्लिश मैन ऐसे थे, तीन अंग्रेज ऐसे थे कि जिन्होंने ये इरादा बनाया कि जी वो सहरा को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, सहरा को पार करेंगे। वो माहर नहीं थे, उनके पास मैप शायद है था या नहीं था, लेकिन उनके पास पानी का जो ज़खीरा था वो सिर्फ एक दिन का था। और उनका ये ख्याल था कि हम गाड़ी पे हैं, गाड़ी तेज़ है, हम गाड़ी के ऊपर एक दिन में ही बड़ी आगे चले जाएंगे कि रास्ते में किसी कस्बे से खड़े होकर फिर पानी भर लेंगे। तो पानी का ज़खीरा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का था, लेकिन होता यूँ है कि उनकी गाड़ी एक सैंड पिट में फंस जाती है, एक रेत के टेले में फंस जाती है, और उसमें गड्ढे में गिरने के बाद वो गाड़ी वहाँ से निकाल ही नहीं पाते। अब वो जो एक दिन का उनके पास पानी का ज़खीरा होता है ना, वो आसपास किसी को मदद के लिए कह सकते हैं क्योंकि आसपास को मदद करने वाला है ही नहीं। बहुत दूर दराज तक टाउन्स हैं, 300-400 किलोमीटर तक तो वहाँ जा भी नहीं सकते पैदल। तो वो अपने तई तो कोशिश करते रहे लेकिन गाड़ी नहीं निकली बाहर। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन जो पानी है वो अपना पी लिया, अपना इस्तेमाल कर लिया। उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद जब उन्हें और प्यास लगी तो उन्होंने रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है, गाड़ी के इंजन के अंदर जो रेडिएटर होता है, उसके अंदर से पानी निकाल के पिया। हत्ता कि उनमें से एक बंदे ने ऑयल भी पी लिया प्यास बुझाने के लिए। और रेडिएटर का पानी भी सहरा की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म था, और जो तेल था वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था गर्मी की वजह से। तो जो ही उन्होंने वो सब कुछ किया तो वो मर गए। और तीन दिन बाद उनकी लाशें वहाँ ऐसे पड़ी हुई थी जहाँ जैसे कि वहाँ पर सूखे पत्ते हुए बड़ी तेज़ी के साथ खुश्क होकर उठ जाते हैं और गिर पड़ते हैं। ये स्टोरी उसने जब रॉबर्ट क्रिस्टोफर को ट्रक वाले ने बताई तो क्रिस्टोफर पहले तो बड़ा खौफजदा हुआ, फिर उसने अपने आप के अंदर हिम्मत बताई कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और फिर उसने जब उन्होंने वहाँ पर रात गुजारी उसके साथ ड्राइवर के साथ और ट्रक वाले के साथ, तो उनके पास जो पानी का ज़खीरा मौजूद था और वो पानी का ज़खीरा इतना है था कि वो अलगोलिया तक पहुंच सकते थे। लेकिन हुआ यूँ कि वहीं रात जब वो गुजार रहे थे तो गर्मी की शिद्दत की वजह से वन गोट स्किन, गोट स्किन मतलब बकरी की खाल का जो मशकीज़ा बनाया हुआ था, वो दो मशकीज़े उनके पास पानी के भरे हुए पड़े थे। लेकिन हुआ यूँ कि एक मशकीज़ा जो है वो गर्मी की वजह से फट गया, और उन्हें इत्तला दी गई, ड्राइवर के असिस्टेंट ने इत्तला दी के जो ऑयलमैन भी था, जो गाड़ी का ग्रीस लगाने वाला था, ग्रीसर उसे कहा गया है, उसने बताया कि जी मशकीज़ा जो है वो एक फट गया है। अब एक मशकीज़े के साथ वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते थे, पानी के साथ इतना लंबा सफ़र नहीं तय किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने पहले ये सोचा कि पानी को तलाश कर लिया जाए। और पानी को तलाश करने के लिए उन्होंने 50 मील जो है इधर उधर का सफ़र किया, और फिर 50 मील के बाद उन्हें एक कुआं मिला जहाँ से उन्होंने पानी लिया। उसके बाद उन्होंने 100 मील का और सफ़र किया। 100 मील का मज़ीद सफ़र करने के बाद दे रीच्ड अलगोलिया, वो अलगोलिया में पहुंच गए। अलगोलिया एक ऐसा इलाका था जो कि सहरा का सबसे खुशगवार इलाका था। जितने भी वो इलाकों में गए वो इलाका सबसे खुशगवार था, और ऐसे महसूस होता था कि यहाँ इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पानी की कसरत है, खुराक बहुत ज़्यादा है, फल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बिल्कुल आसाइश में हैं ये लोग। तो वो जो अलगोलिया का इलाका था वहाँ एक ओसिस था, वो एक ओसिस था, ओसिस कहते हैं जहाँ पर क्लम्प ऑफ ट्रीज़, दरख्त बहुत ज़्यादा कसरत में हो, फल बहुत ज़्यादा हो। तो इतना पानी था कि हर रोज़ जो है वो जितने दिन वहाँ रुका क्रिस्टोफर, वो हर रोज़ तकरीबन आधा मील जो है वो शहर से साथ बाहर एक तालाब था वहाँ पर जाके नहाता था और अपने आप को ठंडा करता था, मज़ा करता था, और साथ में फल की भी कसरत थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो एक ट्रक निकलने लगा था, ऑयल का ट्रक था, तेज़ी के साथ उस ट्रक में उसने फिर लिफ्ट ले ली, लिफ्ट के जरिए उस ट्रक में बैठ गया। देन दे ट्रैवल टू इंसला। इंसला एक ऐसा इलाका था जिसकी तरफ जो बाद में आना था उसकी तरफ उन्होंने सफ़र शुरू किया। सॉरी, वो भी एक हथियारों का ट्रक था, एक वेपन कैरियर था कि जिसके अंदर गोला बारूद लेके जाया जा रहा था। वो ड्राइवर भी बड़ा माहिर था, ये जो ड्राइवर है ये उस पिछले ड्राइवर से भी ज़्यादा माहिर था। पिछले ड्राइवर ने तो फिर भी कहीं अगर ट्रक फंस जाता तो वो लोहे की पतरियाँ निकाल के उसके टायरों के आगे रख के फिर ट्रक को बाहर निकालते, लेकिन इस दौरान ट्रक कहीं फंसा ही नहीं, ये ज़्यादा माहिर ड्राइवर था।
इन सलाह में जाते हुए वेपन कैरियर में बैठ गया दोबारा। लेकिन वेपन कैरियर में जब जाते हुए एक जगह पर उन्होंने रुक कर स्टे किया, तो उस स्टे के दौरान ड्राइवर ने और उसके असिस्टेंट ने इसको क्रिस्टोफर को ये कहा कि अगर तुम इस सफ़र की थकावट को दूर करना चाहते हो, थकावट को ख़त्म करना चाहते हो, तो पानी में थोड़ा सा शराब मिलाकर पी लो तो तुम्हारी थकावट भी दूर हो जाएगी, तुम्हें अच्छे तरीके से नींद भी आ जाएगी। लेकिन पहले क्रिस्टोफर ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, शराब नहीं पी थी। लेकिन अब जब उन्होंने बार बार उसे कहा तो उसने शराब पी ली। जब उसने शराब पी ली तो किसी दोनों जो दूसरे थे उन्होंने दोनों ने भी शराब पी ली, तो वो तो सो गए, वो अरबी थे दोनों सो गए। लेकिन इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ट्रक में से कोई चीज़ लेने के लिए गया, तो जब ये ट्रक के ऊपर चढ़ गया तो गर्मी की शिद्दत की वजह से और शराब के उस नशे की वजह से इसे पता नहीं चला और ये बेहोश हो गया। और अन करीब था कि ये रेत के ऊपर गिर जाता, लेकिन रेत पे नहीं गिरा, ये ट्रक के अंदर ही गिर गया और ज़ोर से ट्रक के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर लगा। जब ये ज़ोर से लगा तो उन दोनों को जाग आ गई, उन्होंने इसको उठाया, उठाकर इसे वहाँ साए में लेके गए, अपनी पगड़ियों को निकाल कर पानी गीला करके लगा के फिर इसके ऊपर जो है ना इसका बुखार कम किया, इसके गर्मी को कम किया, तो फिर इसके बाद इसे काफ़ी देर बाद होश आई और फिर उन्होंने अपना अगला सफ़र शुरू कर दिया। तो इंसला जब वो शहर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि शहर जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। एक ऐसा शहर है कि सहरा के तूफ़ानों की वजह से शहर की दीवारें बिल्कुल रेत के अंदर धंस चुकी हैं, शहर आहिस्ता आहिस्ता सारा रेत के अंदर आ रहा है और लोग वहाँ से नकल मकानी करके उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर इन्हें कुछ भी ना मिला, उसके बाद इन्होंने अगले सफ़र की तरफ शुरू की। द सिटी वाज अबाउट टू ड्रोन, रेत के अंदर डूबने वाला था। थ्रू अ ट्रक ही रीच तमन रास, फिर वहाँ से एक और ट्रक के जरिए ये तमन रास एक ऐसा इलाका था जो कि उससे अगला इलाका था, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगम से। प्रोफेसर क्लार्क से जब मुलाकात हो जाती है तो वो उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और प्रोफेसर क्लार्क जो है वो तमन रास के लोगों को, जो टॉरक लोग हैं, टॉरक पीपल हैं, उनको बड़ी देर से तालीम दे रहा है, उनको पढ़ा रहा है। पहले ये लोग बिल्कुल तालीम से बहरावार बेबहरावार थे, उनकी वाकफियत नहीं थी कि तालीम क्या चीज़ है। फिर जब तालीम देना शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, तो वो लोगों के अंदर तमीज़ भी आती गई, लोगों की इस्लाह होती गई और लोगों ने प्रोफेसर को भी पसंद करना शुरू कर दिया और प्रोफेसर को अपना एक पेशवा समझ लिया। उसके बाद उसी के प्रोफेसर के कहने पर ही प्रोफेसर क्लॉड जो है वो खुद एक फ्रेंच था और जितने भी लोग थे सफ़र करने वाले, अगर पढ़ा लिखा बंदा होता तो उसकी वो कदर किया करता था। तो क्रिस्टोफर भी ऐसा ही था, क्रिस्टोफर उसका दोस्त बन गया और टॉरक लोगों ने उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेहमानबाजी की, मेहमानबाजी के जरिए उसे रखा, उसे बादशाह के खेमे में रखा। तो क्रिस्टोफर ने वहाँ पर तकरीबन एक दो हफ्ता जो वहाँ रुका, बड़ा इन्जॉय किया। वहाँ पर भी इसी दौरान क्रिस्टोफर ने यह भी सीखा कि ऊँट की सवारी कैसे की जा सकती है, ऊँट की सवारी करने का हुनर लिया वहाँ पर। चूँकि अगला जो सफ़र था, जो बाकी सफ़र रह गया था, वो करना ही ऊँट पे था, वहाँ पर कोई ट्रक ट्रुक और गाड़ी वाला कोई सीन ही नहीं था। तो रिमेनिंग 1280 किलोमीटर बाद जर्नी ऑन कैमल्स ऐसा सफ़र था कि जो कि ऊँटों पर होना था। जब क्रिस्टोफर वहाँ से निकलने लगा, जाने लगा, तो प्रोफेसर क्लॉड का एक बड़ा बेहतरीन शागिर्द था, उसका नाम था अबू बकर। प्रोफेसर क्लॉड ने अबू बकर को क्रिस्टोफर के साथ रवाना किया कि तुम क्रिस्टोफर के साथ जाओ और इसे टिम्बकटू के रास्ते में किसी कारवां में या किसी काफिले में छोड़ दिया। अब अबू बकर एक ऊँट पे था, एक ऊँट पे क्रिस्टोफर खुद था और एक ऊँट पे क्रिस्टोफर का सामान था, खाने पीने की अशिया थी। उसके बाद अबू बकर उसको लेकर काफ़ी आगे 100 मील के फासले तक आके उसने एक बड़े से कारवां के अंदर, काफिले के अंदर इसको दाखिल कर दिया। उसके अंदर सरदार के साथ बात करके काफ़िले के साथ इसको चला दिया। फिर वो जो बड़ा काफिला था उससे एक छोटा काफिला अलग हुआ जिसने टिम्बकटू की तरफ जाना था। फिर वो जो है क्रिस्टोफर उस छोटे काफिले के अंदर शामिल हो गया। लेकिन छोटे काफिले वाले जो थे उनके पास खुराक का बहुत ज़्यादा ज़खीरा नहीं था, पानी बहुत कम था। हुआ यूँ कि अचानक वो जो है ना उनके पास पानी और खुराक ख़त्म हो गई। और अब वो एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे कि जिस इलाके में दूर दूर तक कोई पानी नहीं था। अब उन्होंने ये सोचा कि जी 100 मील 200 मील के फासले पर एक कुआं है, उस कुएं तक जाते हैं और पानी लेते हैं। जब वहाँ उस कुएं तक गए तो देखा कि वो कुआं खुश्क हो चुका है और सदियों से वहाँ पानी नहीं। अब अगला जो कुआं था वो 2 दिन की मुसाफत पे था, 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद। अब ये जो वादी थी एक हिसाब से उन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी और इस वादी के अंदर तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आते थे, सहरा था और तूफ़ान ज़्यादा आते थे। अब क्रिस्टोफर ने और उन लोगों ने जो छोटा काफिला था उन्होंने सफ़र करना शुरू किया और उस सफ़र के दौरान ही
अचानक ये हुआ कि पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनके पास एक लीटर पानी रह गया, तो उससे एक लीटर की भी उन्होंने चाय बना के पी ली। उसके बाद पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यूँ हुआ कि सहरा के अंदर तूफ़ान भी आ गया। उस तूफ़ान के दौरान इन्होंने अपने ऊँटों के पीछे सहारा लेकर अपने आप को बचाया। ऊँट चूँकि बड़ा ताकतवर है, वो तूफ़ान को बियर भी कर लेता है और तूफ़ान के ज़रिए जो है वो उसको रोक भी लेता है रेत को। अगर इंसान हो तो वो तो रेत के अंदर जुट जाए और मिल जाए, पता ही ना चले। तो ऊँटों के पीछे सहारा लेकर अपने आप को बचाया, अपनी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और सफ़र किया तो पानी की प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से बेहाल हो गए। अब उनके पास ना आगे जाने का कोई चारा था, ना पीछे पानी तलाश कर सकते थे, पीछे है नहीं था और आगे जा नहीं सकते थे क्योंकि हिम्मत नहीं थी। उन्होंने फिर यूँ किया, दे किल्ड अ कैमल, उन्होंने एक ऊँट को मारा। ऊँट के अंदर पेट के अंदर चूँकि पानी का ज़खीरा काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, ये ऐसे के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, उन्होंने एक ऊँट को मारा। ऊँट को मारने के बाद उसके स्टमक में से, मेदे में से जो पानी ज़खीरा उसने किया हुआ था वो निकाला, उसको एक मशकीज़े में डाला और वो ग्रीन कलर का वाटर था, ग्रीन कलर का पानी था, और उन्होंने उस पानी के ऊपर जो है ना वो आगे गुजारा किया और उसी ऊँट को जिसको मारा था उसके गोश्त के ऊपर गुजारा किया और अगला सफ़र उन्होंने इस तरीके से तय किया। ये एक बड़ा एडवेंचर है, इसके अंदर बड़ी अजीब अजीब चीज़ें भी आपको मिली। सबसे अजीब चीज़ ये है, फिर रेडिएटर का पानी पी लेना, फिर तेल पी लेना, और फिर यहाँ जब इस वैली ऑफ थर्स्ट एंड डेथ के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पर उन्हें गिद्ध भी नज़र आए। गिद्ध क्या होते हैं? बड़ा बड़ा एक परिंदा है, शुतुरमुर्ग जैसा एक परिंदा होता है जो कि ज़िंदा इंसानों का, जो इंसान या जिंदा जो जानवर होते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं, शिकार नहीं कर सकते, आगे से मुज़ाहमत नहीं कर सकते, वो उनको खाते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो गिद्ध भी 20-25 इनके इंतज़ार में थे, लेकिन गिद्धों को फिर मायूस होना पड़ा जब इन्होंने ऊँट को मार के उसके मेदे से पानी निकाल लिया। तो इसके बाद वो अगले इलाके के अंदर